हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने न्यू टॉपिक पे चलेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट उससे पहले मैं आपको जो मैंने आपको लास्ट टॉपिक करवाया था एंडोक्राइन सिस्टम, उसका मैं एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। इससे आपको इजी हो जाएगा इसको लर्न करने में। अब देखो, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, और उससे बहुत सारे क्या आपके हार्मोन रिलीज होते हैं, जो कि ग्रोथ हार्मोन हो गया आपका, या हर एक टाइप का जो भी हार्मोन रिलीज़ होता है, ठीक है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताए थे। अब क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि कौन से हार्मोन हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ हो रहे हैं और कौन से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है पेपर में, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, ये आ गया आपका हिपोथैलेमस, ठीक है, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, बट फिर से एक बार ये ब्रेन के इसमें पूरा बता देती हूँ। ये था ना आपका हिपोथैलेमस, ये एम शेप आती है, ये क्या था आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब इसकी पर्टिकुलर एरिया का मैं बताती हूँ कैसे था ये आ गया। अब ये जो आगे का पार्ट है, ये क्या आपका एंटीरियर पिट्यूटरी और ये क्या आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ये हिपोथैलेमस है, ये हिपोथैलेमिक हार्मोन्स आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वहाँ से सिर्फ दो ही रिलीज होते हैं, एक है ऑक्सीटोसिन और एक है ADH, ठीक है। ADH को हम क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन, ठीक है, अगर प्रोनंसिएशन गलत होगी तो देख लेना थोड़ा, ठीक है। ये दो सिर्फ दो ही हार्मोन हैं जो पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होते हैं। बाकी आपको जितने भी पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स आएंगे, पूछेंगे अगर वो आपको कि कौन से मतलब कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, सीधा वो पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं पूछते हैं, या तो ये पूछते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी की पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो सिर्फ दो ही हैं जो पोस्टीरियर से हैं, बाकी सारे एंटीरियर से हैं। अब देखो, जो ग्रोथ हार्मोन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बोन्स के लिए, मसल्स के लिए, ऑर्गन्स की ग्रोथ के लिए। जो प्रोलैक्टिन है ये किसके लिए है, इससे क्या होता है कि जो फीमेल्स हैं उनमें प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होता है, ठीक है, तो ये ब्रेस्ट के लिए है। और जो LH है वो किसके लिए, ओवरीज के लिए है। और ये जो LH, FSH, ACTH, ये मैंने पूरा बताया हुआ है, आप अगर जिसने नहीं देखा है तो वो लास्ट वीडियो देख सकता है, ठीक है। और FSH से क्या, टेस्टिस के लिए। और ये आ गया आपका ACTH, एडर्नल कॉर्टेक्स पे जाता है, फिर कॉर्टिसोल, कॉर्टिकल हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। TSH क्या आ गया, थायराइड ग्लैंड है और थायराइड हार्मोन रिलीज होता है यहाँ से, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था। एक चीज़ और बता देती हूँ, और जितने भी ये ट्रॉपिक हार्मोन्स हैं, ट्रॉपिक हार्मोन का क्वेश्चन भी पूछा गया है लेटेस्ट, जो भी अभी के जो मतलब एक या दो साल पहले का जो पेपर है उसमें, तो ट्रॉपिक हार्मोन क्या थे ये भी मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्ट मतलब टारगेट करते हैं इनडायरेक्टली दूसरे एंडोक्राइन सिस्टम मतलब दूसरे ग्लैंड्स को, ठीक है। अभी जो एंटीरियर पिट्यूटरी थे ये क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं हार्मोन को, जो हार्मोन क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड की एक्टिविटीज़ को, ठीक है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी का काम है। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये क्या करते हैं, उन हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं जो रेगुलेट करते हैं रीअब्जॉर्प्शन किसकी, वाटर की, बाय द किडनी, ठीक है। और फीमेल्स में क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। ये अब जो ऑक्सीटोसिन है इसको हम लव हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। और ADH को बड़ी जगह आपको वैसोप्रेसिन करके पूछा होगा, तो देख लेना, ठीक है। बाकी ये इसकी जितनी पूरी इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको लास्ट वीडियो में दी है, और शायद उससे पहली वाली में भी मैंने बताया है, ठीक है। अब हम चलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर पे। सबसे पहले आ गया आपका डोपामीन। अब देखो, अब साइकोलॉजी ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर बहुत सारे हैं, बट साइकोलॉजी के हिसाब से जितने हम यूज़ करते हैं, जो मेन पेपर में पूछे जाते हैं, वो आठ ही हैं, ठीक है, एट हैं। तो मैं बताती हूँ, सबसे पहले आ गया आपका डोपामीन। डोपामीन कहाँ पे रिलीज़ होता है आपका, मिड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मिड ब्रेन में सबस्टेंशिया निग्रा जो पार्ट है वहाँ से क्या रिलीज़ होता है आपका, डोपामीन रिलीज़ होता है। ये क्या करता है, कोरिलेट विद, किसके साथ कोरिलेट होता है ये, मूवमेंट, अटेंशन, लर्निंग, प्लेजर रिलेटेड टू मोटिवेशन, इमोशनल अराउजल, ठीक है, इन चीज़ों के साथ ये कोरिलेट होता है। और अगर ये हाई प्रोड्यूस होता है तो सिज़ोफ्रेनिया हो सकता है और साइकोटिक डिसऑर्डर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और अगर डोपामिन लो रिलीज़ होता है तो क्या होता है, संक फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। और मेन क्या है इसमें, अगर लो रिलीज़ होगा तो पार्किंसन डिजीज़ होती है,
ठीक है, ये याद रखना। पार्किंसन डिजीज़ हमेशा डोपामीन के साथ ही कनेक्ट करके चलना, अगर लो रिलीज होगा तो पार्किंसन डिजीज़ है इसमें, और हाई होगा तो सीजोफ्रेनिया वगैरह और साइकोटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। सेकेंड आ गया आपका एसिटल कोलाइन। और देखो जैसे ये है ना, अगर क्वेश्चन आएगा सीधा ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, कोई आपको आगे पीछे का घुमा के नहीं पूछेंगे वो। एसिटल कोलाइन, एसिटल कोलाइन को हम ACH भी बोलते हैं। अब देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ACTH क्या है। अब ACTH की फुल फॉर्म क्या है मैंने आपको बताई थी, अब आप उधर से उसको पढ़ के जाना पूरा कि ACTH क्या है, ACH क्या है, ADH क्या है, ये कंसेप्ट आपके पूरे क्लियर होने चाहिए। ये नहीं है कि उधर जाके आप फुल फॉर्म में ही मतलब भूल रहा आपको सारा। अब आ गया ACH क्या आ गया, एसिटल कोलाइन, ठीक है, इन्वॉल्व। और ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ गया आपका, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और ये मेन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, और बिटवीन मोटर न्यूरॉन के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ये प्रोड्यूस होता है एसिटल कोलाइन। इन्वॉल्व इन वॉलेंट्री मूवमेंट, वॉलेंट्री जितने भी आप खुद से वॉलेंट्री मूवमेंट्स करते हैं ये उनमें इन्वॉल्व होता है, लर्निंग में, मेमोरी एंड स्लीप, ठीक है। और किसके मतलब इसको कौन स्ट्यूमुलेट कर सकता है, निकोटीन, निकोटीन एसिटल कोलाइन को स्ट्यूमुलेट करता है। अब अगर ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो क्या हो जाता है, इससे डिप्रेशन हो जाता है, एसोसिएटेड विद डिप्रेशन। और अगर ये कम रिलीज़ हो रहा है तो क्या हो रहा है, हिप्पोकैम्पस को ये इफ़ेक्ट करता है, और क्या होता है, डायमेंशिया। अब हिप्पोकैम्पस में क्या, आपका मेमोरी का रिलेटेड जो ब्रेन का पार्ट है वो क्या है, हिप्पोकैम्पस है। तो अगर ये वॉलेंट्री मूवमेंट, लर्निंग, मेमोरी और स्लीप के रिलेटेड है, तो अगर मेमोरी है इधर कम रिलीज़ होगा तो आपको डायमेंशिया हो सकता है, ठीक है। इसके कम होने से डिप्रेशन हो रहा है, और इसके कम होने से भी डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है, याद रखना। अब आ गया आपका इपाइनफ्रीन एंड नॉरपाइनफ्रीन। अब देखो जो एंडोक्राइन सिस्टम कराया था उसमें मैंने आपको ये पूरा अच्छे से करवाया था, बट अब इसको हम ये हार्मोन भी बोलते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो इपाइनफ्रीन और नॉरपाइनफ्रीन है, जो अडर्नल ग्लैंड है, ये अडर्नल ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। अब जो अडर्नल ग्लैंड है वो क्या है, अडर्नल कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स क्या आ गई आपकी, आउटर लेयर, और मेड्यूला क्या आ गया आपका, इनर पार्ट। और जो इपाइनफ्रीन और नॉरपाइनफ्रीन है वो दोनों कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं आपके, इनर पार्ट से, मतलब मेड्यूला से। अडर्नल मेड्यूला से कौन प्रोड्यूस हो रहा है, इपाइनफ्रीन एंड नॉरपाइनफ्रीन दोनों, ठीक है। और जो आउटर था उसका कॉर्टेक्स, वहाँ से क्या था, कॉर्टिसोल था। अब आ गया इपाइनफ्रीन, इसको हम देखो बहुत बार, ये जो मैंने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मेरी ये इस नोटबुक पे देखो कितना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ख़राब हो गया सारा, मैंने बहुत ज़्यादा इसमें लिख दिया हुआ है। अब इपाइनफ्रीन को हम क्या बोलते हैं, एडनलीन भी बोलते हैं, और नॉरपाइनफ्रीन को नॉर एडन एड्रनलीनी नॉर एडनलीन। अब जल्दी जल्दी बोल रही हूँ तो गलत निकल रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंसिडर्ड एज हार्मोन, एडर्नल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। और इन्वॉल्व इन, अब ये किस में, ये किसमें इन्वॉल्व है, मेन एनर्जी ग्लूकोज एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। एनर्जी ग्लूकोज और मेटाबॉलिज्म में कौन है आपका, इपाइनफ्रीन, और नॉरपाइनफ्रीन है आपका एसोसिएटेड विद ईटिंग एंड अलर्टनेस। अब अगर जब जो नॉरपाइनफ्रीन है ये क्या करता है, जब अराउजल होता है एडनलीन का, जब आपको कुछ स्ट्रेस रिलेटेड सिचुएशन आती है ना, तो आपका ब्रेन क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, तो फिर क्या प्रोड्यूस होता है, नॉर इपाइनफ्रीन। अब आ गया, अगर ये कम, अगर ये लो प्रोड्यूस हो रहा है तो डिप्रेशन, अगर ये भी कम हो रहा है तो भी डिप्रेशन, ये भी कम हो रहा है तो भी डिप्रेशन, ठीक है। देखो तीनों सेम चल रहे हैं अभी तक। और अगर नॉरपाइनफ्रीन भी कम रिलीज होगा तो भी डिप्रेशन होगा, एंग्जाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाएंगे, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है। और अगर, और ये क्या होगा, जो स्ट्रेस हार्मोन है वो रिलीज़ होते हैं डायरेक्ट ब्लड में, जब ब्रेन क्या करेगा कुछ परसीव करता है आपकी स्ट्रेसफुल इवेंट को, ठीक है। और अगर ये हाई रिलीज़ होगा नॉरपाइनफ्रीन तो क्या होगा, यूफोरिया हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी, या फिर कुछ पैनिक अटैक भी फील हो सकते हैं, हाइपर एक्टिविटी हो सकती है नॉरपाइनफ्रीन के केस में। सिंपल यही याद रखना कि नॉरपाइनफ्रीन कब आपका, इसको क्या बोलते हैं, एडनलीन बोलते हैं, लो होगा तो डिप्रेशन हो सकता है, और एनर्जी ग्लूकोज और मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व करता है ये नॉरपाइनफ्रीन क्या आपका। और एडलिन को आप फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं, और नॉरपाइनफ्रीन क्या आपका, ये मेजर एसोसिएट किसके साथ करता है,
ईटिंग एंड अलर्टनेस के साथ। अब जब अगर जिस बच्चे ने गेट का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने देखा होगा उधर ये बिल्कुल सिंपल ऐसे ही पूछे हुए थे, एपाइनफ्रीन पूछा था, नॉरपाइनफ्रीन पूछा था, सेराटोनिन भी पूछा था, गावा पूछा था, चार हार्मोन पूछे थे शायद से, यही थे। अब नेक्स्ट आ गया सेराटोनिन, ठीक है, इसको कौन प्रोड्यूस करता है, पाइनल ग्लैंड। पाइनल ग्लैंड सेराटोनिन भी करता है और मेलाटोनिन भी करता है, ठीक है। अब जो सेराटोनिन है ये मेन किस, ये कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। और ये किस में मेन रोल प्ले करता है, मूड में, स्लीप में, एपिटाइट में, इंपल्सिव एंड एग्रेसिव बिहेवियर, ठीक है। ये किसके साथ कनेक्ट है, आपका सेराटोनिन के साथ। अगर ये लेस रिलीज होगा तो डिप्रेशन हो सकता है, सम सॉर्ट ऑफ एंगजाइटी डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये भी मैंने आपको करवाए थे। अब आ गया नेक्स्ट आपका गावा। अब कभी कभी गावा नहीं पूछा होगा उन्होंने, सीधा पूछ लिया होगा गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड। तो जितने भी आपके न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन्स हैं उनकी सबकी फुल फॉर्म्स और उनको और क्या क्या बोलते हैं, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर भी हैं और हार्मोन भी हैं, ये भी पता होना चाहिए। और वो कहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं और कौन से पार्ट पर वो एक्ट कर रहे हैं और फिर वो क्या रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। गावा क्या आ गया आपका, गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड और वाई अमीनो ब्यूट्रिक एसिड, इन दोनों को क्या, इसको मतलब गाबा को ही ये बोलते हैं। और ये क्या है आपका, इनहिबिटरी है, इनहिबिटरी न्यूरॉन है ये। और एक्सिबिटरी न्यूरॉन कौन सा है आपका, ग्लूटामेट। इनहिबिटरी मतलब जो रोकता है चीज़ों को, ठीक है, विच इनहिबिट योर एक्साइटेशन एंड एंगजाइटी, जो आपकी एंगजाइटी और एक्साइटेशन को कंट्रोल करता है वो कौन है, गावा है। और अगर ये कम रिलीज़ होगा तो क्या हो जाएगा, हंटिंगसन डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं होता है कि उसी वजह से होता है, बट उसके चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। और अगर कम रिलीज़ होगा हंटिंगसन डिजीज़ हो सकती है, एंगजाइटी डिसऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। अब कुछ डिसीज़ और डिसऑर्डर हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पूछते ही पूछते हैं, जैसे ये आ गया, ये एक दो साल से पूछ रहे हैं, हंटिंगसन डिजीज़, पिक्स डिजीज़, अच्छा अल्जाइमर डिजीज़, एडिसन और ऑटिज़म, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ अगर आप कुछ एक 2018 के बाद वाले पेपर देखेंगे तो आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिल जाएंगे जो कि रिपीट भी हुए होंगे। अब नेक्स्ट आ गया एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन को हम क्या बोलते हैं, बीटा एंडोर्फिन भी बोलते हैं। और ये क्या है, प्रोटीन है। और ये किसके लिए, एक मिनट, ये क्या किया ने? अगर गावा का एबनॉर्मल लेवल होगा ना तो स्लीप और ईटिंग डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, ठीक है, गावा के रिलेटेड ही है ये। अब आ गया एंडोर्फिन। एंडोर्फिन क्या है, सिंपल आपको ये याद रखना है, ये आपके क्या होता है कि ये जो नेचुरल हमारी बॉडी के पेन रिलीफ के लिए जो हेल्प करते हैं, इन्वॉल्व इन पेन रिलीफ, फीलिंग ऑफ प्लेजर, ठीक है। और ये क्या, सिंथेसाइज बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रोड्यूस होते हैं, पर सिंथेसाइज कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। और इसको बीटा एंडोर्फिन भी बोलते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ जो लास्ट ईयर इसमें से आया था, लिखा था, ये था वो क्वेश्चन, बीटा एंडोर्फिन इज मोबिलाइज्ड फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड ड्यूरिंग स्ट्रेस, इज अप्रोक्सीमेटली सम क्वालिटीज़ एज, ठीक है, जो बीटा एंडोर्फिन है जो रिलीज होते हैं कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से स्ट्रेस के टाइम, उसकी क्वालिटी किसके साथ मैच करती है, ठीक है। अब उन्होंने ये चार ऑप्शन दिए थे। अब जिस बच्चे को थोड़ा भी कंसेप्ट होगा ये तो पहले ही अलग हो जाएगा, डोपामिन, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है आपका, सबस्टेंशिया निग्रा, मिड ब्रेन से। एपाइनफ्रीन भी नहीं हो सकता है। अब इसमें से क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के रिलेटेड जिनको कंसेप्ट होगा, ACTH और CRH का वो रहेगा, बट ये क्या है आपका, ACTH। तो जो ACTH है आपका, ये कहाँ से रिलीज़ होता है, ऑल्सो जनरेट ACTH, जो एंडोर्फिन्स हैं ये ACTH को भी जनरेट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया आपका ग्लूटामेट। ग्लूटामेट क्या है, ये हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और ये स्ट्रेंथनिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 2019 के दिसंबर में यही क्वेश्चन आया था कि कौन सा हार्मोन है जो एक्साइटेड, जो स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करता है,
तो वो क्या आपका ग्लूटामेट। और अगर ग्लूटामेट ज़्यादा रिलीज़ होगा तो क्या होगा, ओवर स्टिमुलेशन होगी ब्रेन की, और जिससे क्या हो जाएगा, ब्रेन के जो सेल हैं उनकी डेथ हो जाएगी। अगर ब्रेन के सेल की डेथ हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा कंसेप्ट है, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस हो सकते हैं, आपको डिसऑर्डर हो सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, पार्किंसन डिजीज़ हो सकती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है, अल्जाइमर डिजीज़ हो सकती है। अब ये जितने भी डिसऑर्डर और डिजीज़ हैं ये आपका खुद का काम है, आप इनको पढ़ लेना एक बार। और अगर ये लेस रिलीज़ होंगे तो मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं, शायद साइकोटिक भी हो सकते हैं, क्योंकि सिज़ोफ्रेनिया आपका साइकोटिक डिसऑर्डर है, इंक्लूडिंग ऑटिज़म, ओसीडी, सिज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन। ऑटिज़म क्या है, इम्पेयर द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट, ये आपका क्या है ऑटिज़म। और जो आपका डोपामीन है उसको क्या बोलते हैं, फील गुड हार्मोन। कभी कभी सिंपल पूछ लेंगे, डोपामीन आ गया फील गुड हार्मोन, ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन आ गया लव हार्मोन, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। और एंडोर्फिन क्या आ गया, नेचुरल पेन रिलीफर, ठीक है। और ये रहा, एक बार मैं आपको ऐसे कंक्लूड करके बता देती हूँ, जो डोपामीन है वो सब्सटेंशिया निग्रा से प्रोड्यूस होता है, और अगर ज़्यादा रिलीज़ होगा तो सिज़ोफ्रेनिया, और अगर कम रिलीज़ होगा तो डिप्रेशन और पार्किंसन डिजीज़। जो एसिटाइलकोलाइन है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रोड्यूस होता है, और ये मोटर न्यूरॉन्स में होता है, और अगर ये कम रिलीज़ होगा तो डिप्रेशन, अगर ये ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगा तो डायमेंशिया, नहीं लो रिलीज़ होगा तो डायमेंशिया, और ज़्यादा रिलीज़ होगा डिप्रेशन। ये ज़्यादा होगा तो डिप्रेशन, ये कम होगा तो डिप्रेशन। एपाइनफ्रीन और नॉरपाइनफ्रीन दोनों क्या हैं, आपके एडरेनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ से, एडरेनल मेड्यूला से। और इसको हम, एपाइनफ्रीन को हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं, और इसको एडरेनलिन भी बोलते हैं, और अगर ये कम रिलीज़ होगा तो डिप्रेशन। और ये किसके साथ एसोशिएट करता है, आपका एनर्जी, ग्लूकोज और मेटाबॉलिज्म के साथ। नॉरपाइनफ्रीन क्या, आपका ईटिंग एंड अलर्टनेस के साथ, लेस रिलीज़ होगा तो डिप्रेशन, और अगर ज़्यादा रिलीज़ होगा तो आपको पैनिक अटैक या हाइपर एक्टिविटी वगैरह हो सकती है। सॉरी इधर बहुत सारा ख़राब हो गया, बट अगर मैं अलग से लिखती तो ये इतना सारा नहीं मिलता, कि जो बहुत सारे पेपरों को कंक्लूड करके ये सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें। अब नेक्स्ट आ गया आपका सेरोटोनिन, ये किसके लिए था, मेन मूड के लिए, कौन है आपका, सेरोटोनिन है। एपाइनफ्रीन आपका एनर्जी के लिए है, और ईटिंग और अलर्टनेस के लिए नॉरपाइनफ्रीन है। और फिर आ गया आपका कि लेस रिलीज होगा तो डिप्रेशन, ओसीडी वगैरह। गाबा क्या, आपका इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, और हंटिंगसन डिजीज़ होती है इससे अगर ये कम रिलीज़ हो। और एंडोर्फिन क्या है आपके, एंडोर्फिन आपके नेचुरल पेन रिलीफर बोलते हैं हम इनको। और ग्लूटामेट क्या है आपका, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ज़्यादा रिलीज़ होगा तो क्या होगा, ब्रेन में ओवर स्टिमुलेशन हो जाएगी, ब्रेन के जो सेल हैं उनकी डेथ हो जाएगी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। और अगर लेस रिलीज़ होगा तो क्या होगा, मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं, ओसीडी हो सकता है, सिज़ोफ्रेनिया हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट इधर ख़त्म हो गया, अगर आपको कुछ इसमें गलत लगा तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट भी करें, कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।